मीना की दुनिया सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं है, यह है एक बदलाव का प्रतीक। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनकी जिंदगी मीना ने बदली है। आज चलते हैं एक सफर पे, जहां हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे ही बच्चों से जिन्होंने खुद में और समाज में परिवर्तन किया और इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। अनुज प्रजापति है वाराणसी से। मीना रेडियो के माध्यम से अनुज ने बच्चों की शिक्षा के अधिकार के बारे में समझा। उसने अपने चाचा को समझाया कि वो अपने बच्चे का दाखिला स्कूल में करवाए। हमारे जीवन में तो मीना की दुनिया एक हमारा करियर बनकर है कि जो कि मैं उस मीना की तरह मैं अपने करियर बना सकूं और अपने लक्ष्य तक पहुंचूं। मीना की दुनिया को सुन करके बच्चे टाइम से स्कूल आ रहे हैं, साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं, आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अनुज की तरह ऐसे ही और कहानियां हैं बदलाव की, मुस्कुराहट की। आइए अब मनीषा से मिले। वो केजीबीवी शिवपुर में पढ़ती है। मीना का हाथ थाम के मनीषा ने स्वास्थ्य की तरफ ठोस कदम उठाए। हमारे गांव के आसपास जो गांव हैं और मेरे खुद अपने गांव में ही लोग साबुन से अच्छी तरह हाथ नहीं धुलते थे, साफ सफाई नहीं रखते थे, कूड़ा इधर का उधर ही फेंकते रहते थे। तो उसको हमने देखा, पहले अपने घर में सुधार किया, फिर उसके बाद अपने पापा मम्मी की सहायता से, दीदी की सहायता से गांव वालों को भी बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से जो दुर्गंध निकलेगी वो सब हमारे ही स्वास्थ्य पे हानिकारक डालेंगी। मीना की दुनिया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, इसको सभी बच्चे सुनते हैं। जो भी मीना संदेश देना चाहती है रेडियो के माध्यम से, चाहे वो बाल विवाह हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कानून के बारे में हो, यह संदेश अपने तक सीमित नहीं, अपने गांव में, अपने घर में भी ले जाते हैं, अपने साथियों से भी बांटते हैं। बच्चे जब अपने क्लास में मीना रेडियो कार्यक्रम सुनते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं, चर्चा करने के बाद जब वो अपने घर जाते हैं तो अपने घर में, परिवार में और उसके बाद समुदाय में जब बात करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। मीना की दुनिया। वाराणसी की हवा के झोंके पे उड़ती हुई मीना पहुंची मिर्जापुर, अनामिका के दिल में। अनामिका ने अपने घर में शौचालय बनवाने के लिए जी जान लगा दी। पहले हमारे गांव में टॉयलेट नहीं था, इसलिए गंदगी बहुत थी और फिर हमने मीना की दुनिया सुन करके सबको प्रेरित किया, हमने अपने घर में शौचालय बनवाया। छात्र मीना की कहानियों के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। इन सब के दिलों में अब मीना बस गई है। इनमें से एक है इंद्र प्रताप। इंद्र ने अपने गांव को और खूबसूरत बनाया। मीना ने बीज बोया, इंद्र ने परवरिश की। हम मीना की दुनिया रेडियो कार्यक्रम से प्रभावित होकर के अपने विद्यालय में बहुत ढेर सारे पौधे लगाए और अपने गांव में भी लगाए और जिससे वातावरण शुद्ध रहने लगा और गांव सुंदर दिखने लगा। मीना की दुनिया से प्रभावित होकर बच्चों में बहुत सारे गुण विकसित हो रहे हैं। बच्चे स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं, अपने खाना खाने से पहले हाथ धोने लगे हैं, खाना खाने के बाद भी हाथ की साफ सफाई करना सीख गए हैं, शौचालय का प्रयोग करना सीख रहे हैं बच्चे और गांव में जाकर के शौचालय के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं। बच्चे बागवानी के प्रति भी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमारा गाँव पूरा हरा भरा रहे। मीना की दुनिया का मूल्यांकन करने के लिए यूनिसेफ ने समय समय पर अध्ययन कराए हैं। रेडियो प्रोग्राम सुन के 67% बच्चों के व्यवहारों में परिवर्तन आया है।
हवा का रुख बदला। मीना पहुंची मुरादाबाद शहरीन के पास। मीना की प्रभावशाली कहानियां सुनकर शहरीन ने निश्चय कर लिया कि वो लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। मीना की कहानी से प्रभावित होकर हमने सोचा कि हमारे पास में जो लड़कियां अनपढ़ हैं, क्यों ना हम उन्हें पढ़ाएं, उन्हें शिक्षा से जोड़ें, ताकि वो भी कुछ हमारी तरह अच्छे इंसान बन सके। हमने उनको अपने घर पर ही पढ़ाया, अब वो अच्छे से लिखना पढ़ना सीख गई हैं। अब उनकी आयु के आधार पर उनको कक्षा 8 में एडमिशन करा दिया। ऐसे ही लाखों अनुज, मनीषा, इंद्र, अनामिका और शहरीन है इस दुनिया में। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, बदलाव की ये धारा आने वाले कल में एक लहर बन जाएगी। सपने साकार होंगे सारे, मीना की सुंदर दुनिया बन जाएगी सबकी सुंदर दुनिया। मैं तो मीना बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत खूब पसंद है।